लॉकडाउन के तीसरे चरण में शनिवार को भी महानगर में चहल पहल दिखी। इस दौरान काली मंदिर चौराहे पर बिना पास और मास्क के शहर में आ रही गाड़ियों का चालान किया गया और सबसे मास्क लगाने की अपील की गई। इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। इसमें कुछ चीज़ों को 11 से 5 बजे की छूट दी गई है। इसके बीच ही गाड़ियों का सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी बिना पास और मास्क के शहर में ना आने पाए। जो भी बिना कारण शहर में निकल रहे हैं उनकी गाड़ियों का चालान हो रहा है और जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, घरों में रहें, बिना आवश्यकता घर के बाहर ना निकलें और लॉकडाउन का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, लॉकडाउन का जो तीसरा फेज इस समय चल रहा है उसमें 11 से 5 तक ही कुछ चीज़ों के लिए छूट दे रखी है। 11 बजे पहले 5 बजे के बाद सघन गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। 11 से 5 के बीच में भी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जो लोग बिना किसी मतलब के निकल रहे हैं उनकी गाड़ियों का चालान हो रहा है। साथ ही जो लोग बेफालतू में घूम रहे हैं उनको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन पर विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। सर क्या अपील आपकी? आप सब लोग समझते हैं इस समय बड़ा ही भयावह स्थिति चल रही है। अपने गोरखपुर जनपद में भी केसेस की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, तो यही अपील है कि आप सभी लोग घर के अंदर रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से ना निकलें। घर से तभी निकलें जब आप वास्तव में आवश्यकता हो, नहीं तो डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा मौजूद है, उसका लाभ उठाएँ और घर में ही रहें, सुरक्षित रहें।